Assalamu alaikum. आज अटाला के ऐतिहासिक चौराहे पे ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन की जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी हाजी शौकत अली साहब, अफसर महमूद साहब, चौधरी इब्राहिम साहब, अफजाल मुजीब साहब और तमाम पदाधिकारियों का और इस अटाला के ऐतिहासिक चौराहे पे अटाला वासियों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त और एक उम्मीद की किरण देखकर एमआईएम के मीटिंग को सुनने के लिए आप बड़ी तादाद में आए हैं। हम बहुत चूंकि प्रदेश अध्यक्ष दूर से आए हैं और 10 बजे तक का परमिशन है, हम अपनी बात को शॉर्ट में आपसे कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 11 मार्च को एक सरकार बदलती है और 6 महीने के अंदर जो ये सरकार बदलती है सबसे पहले एक फैसला करती है कि स्लाटर हाउस बंद कर दिया जाए। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 2012 मार्च में आपने सेकुलरिज्म के नाम पे एक पार्टी को वोट दिया था, जब 2012 में वो सत्ता में आई और मार्च में 2017 तक सत्ता में रही। हम पूछना चाहेंगे सेकुलर के नाम पे वोट लेने वाले नेताओं से, क्यों नहीं आप लोगों ने जब एनजीटी ने एक जीओ भेजा था, एक शासन आदेश भेजा था इंजीनियर अपना एनजीटी ने कि मानक के अनुरूप आप स्लाटर हाउस का लाइसेंस दीजिए, रिन्यूअल करिए और उनके अनुसार बनाइए। अखिलेश सरकार 5 साल हमसे वोट ली, लोकसभा में वोट लिया भाजपा के नाम पर रोकने पे, लेकिन आपका ना लाइसेंस रिन्यूअल हुआ ना कुछ किया, 5 साल आपको बेवकूफ बनाया। इसकी देर सीधे सीधे मुलायम सिंह अखिलेश सरकार सब इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हम रोकेंगे, एमआईएम को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। साथियों जो शोकास सेकुलर है, एक सेकुलरिज्म का जो चेहरा रखे हैं, इनकी पोल तब खुल गई जब हिंदुस्तान की जमहूरियत की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उस लोकसभा में गौर अच्छा के नाम पे आरएसएस बजरंग दल वाले जो आजकल हत्याएं कर रहे थे, मासूम दलितों को गुजरात में काट मार डाला, मुसलमानों को राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हुई, हमारे बैरिस्टर सुदुद्दीन अविशाल साहब ने एक बिल निकाला, एक बिल पेश किया भीड़ द्वारा हिंसा रोकथाम 2017, उस भीड़ का उस बिल का समर्थन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी का कोई लोकसभा सदस्य नहीं है। इन समाजवादियों का चेहरा उस समय बेनकाब हो गया कि भीड़ द्वारा हिंसा जब बिल लाया गया, उस बिल को आप पेश करने में जो सेकुलर समाजवादी बनते थे सेकुलर वो कहां चले गए। मोदी को रोकने के नाम पे मुलायम सिंह डिनर करते हैं, राम कोविंद का जब होता चुनाव मुलायम सिंह खुलेआम में डिनर में जाते हैं मोदी के, शिवपाल यादव कहते हैं कि मैं नेताजी के कहने पे वोट देता हूं, बिहार चुनाव में नेताजी तारीफ करते हैं भाजपा की और खुलेआम वोट देते हैं सेकुलर हो गए। और जब सोनिया गांधी ने एक बार बैरिस्टर सुदुद्दीन ओवैसी साहब से समर्थन मांगा, हमारे 7 एमएलए तेलंगाना के, 2 एमएलए महाराष्ट्र के, खुद अपना वोट उन्होंने दिया, तो आज विपक्षी एकता के नाम पे सेकुलरिज्म को बचाने के नाम पे हम लोग ने विपक्षी कैंडिडेट मीरा कुमारी को वोट दिया तो कौन सेकुलर हुआ, भाजपा को मदद करने वाला सेकुलर हुआ, विपक्ष की एकता के नाम पे वोट देने वाला सेकुलर हुआ। साथियों ये कब तक चलेगा दोस्तों, ये कब तक चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, 8% आबादी वाले 25% पे शासन कर रहे हैं और हमारे वोट बैंक के नाम पे हमारी ताकत के नाम पे सत्ता आते हैं और सबसे पहले हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे प्रॉब्लम है हमारे उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई 5 साल में आपने बताइए, सत्ता में वादा करके आए थे कि मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे, वादा किया था कि नहीं भाइयों बताइए, जब हमारे महाराष्ट्र के 2 विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया अगले दिन उसका काउंटर करने के लिए, महाराष्ट्र का अकुआ समाज भी तख्ती लेकर खड़ा हो गया, महाराष्ट्र में 5% मुसलमानों को, वहां की मीडिया ने सवाल किया, उत्तर प्रदेश भी इसी वादे पर सरकार में आए थे, वहां आपने अलग से रिजर्वेशन नहीं दिलाया। आप पता कर लीजिएगा तेलंगाना में 4 से 12% रिजर्वेशन हो गया, रमजान के महीने में सरकारी कर्मचारियों को 4 बजे छुट्टी जाती है। हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन साहब ने कहा ईद के दिन अगर 2 दिन छुट्टी होगी तो शिवरात्रि में भी 2 दिन छुट्टी होगी, आपने तमाम फेसबुक और मीडिया चैनल पर उनका देखा भी होगा। अभी आप लोगों को एक घटनाक्रम घटी, 1-1.5 महीने पहले बिहार में वहां महागठबंधन और भाजपा के बीच में लड़ाई चल रही थी, जब 2015 में चुनाव हो रहा था
हम लोग सीमांचल के मुस्लिम बहुत 24 सीटों पे जब उम्मीदवार उतारने जा रहे थे, हमने देखा वहां लड़ाई महागठबंधन और भाजपा के बीच है। हम लोगों ने अपने मात्र 6 प्रत्याशी उतारे और हमें कुल 1,00,000 वोट मिला। कोचा धामन में हम सेकंड पोल कर गए और उस सरकार ने इन्होंने कहा मुसलमानों से कि हम भाजपा को रोक रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसी वादे से सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा चेहरा बन के आए थे, हम भाजपा को रोक रहे हैं। महागठबंधन लड़ाई में मुसलमानों ने उसी साहब को कहा, थोड़ा आप देर कर गए और इसी वो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के सरकार फिर बना ली। सबसे बड़े सेक्युलरिज्म कौन है? और उसी बिहार सीमांचल जो बाढ़ से पीड़ित है, वैसी साहब ने 10 करोड़ रुपए की मदद भेजी है, डॉक्टरों की टीम भेजी है और दवाइयां भेजी है। साथियों, अगर आगामी नगर निगम चुनाव में हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि अगर हमारा प्रत्याशी, यहां कई वार्डों में मजबूत प्रत्याशी जो दावेदार है वो लड़ने के, और इंशाल्लाह यहां से हम खाता भी खोलेंगे, अगर हमारा हो सकता है संभावित मेयर भी कोई प्रत्याशी आ जाए तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मांग करेंगे कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एक सभा आप दिलाने का काम करेंगे ताकि जनमानस में उनकी बातों को रखा जाए और उनके मिशन को बताया जाए कि आप वोट की ताकत को पहचानिए, अपने लोगों को पहचानिए। ये फर्जी सेकुलर के नाम पे, कभी हम मुलायम के नाम पे, कभी नीतीश के नाम पे, हर जगह ठगे जा रहे। इसी अपील के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम।